नमस्कार, मैं राज किशोर बिष्ट। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की इस लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन तथा जनरेटिंग फंक्शन सीखेंगे। आइए इस लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं ये आप सीखेंगे। न्यूमेरिक फंक्शन के विभिन्न ऑपरेशंस आप सीखेंगे। जनरेटिंग फंक्शन क्या है तथा इसका न्यूमेरिक फंक्शन से क्या संबंध है यह सीखेंगे। दिए हुए न्यूमेरिक फंक्शन के लिए जेनेटिंग फंक्शन निकालना सीखेंगे तथा दिए गए जेनेटिंग फंक्शन के लिए न्यूमेरिक फंक्शन निकालना सीखेंगे। अंत में जेनेटिंग फंक्शन की काउंटिंग में कैसे यूटिलिटी हम कर सकते हैं, कैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं यह आप सीखेंगे। डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन। डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर का सेट है, जिसमें जीरो भी इंक्लूड किया गया है तथा रेंज रियल नंबर का एक सेट है। हम प्रायः इसे ए आर अथवा ए एन से डिनोट करते हैं, जहां आर अथवा एन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सेट है। एक एग्जांपल देखें, ए आर इक्वल टू ट्वाइस आर प्लस वन जब आर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड लेस देन थ्री हो तथा आर स्क्वायर जब आर ग्रेटर देन इक्वल टू फोर हो। मैनिपुलेशन ऑन डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शंस। सम एंड प्रोडक्ट। दो न्यूमेरिक फंक्शंस का सम या प्रोडक्ट भी एक न्यूमेरिक फंक्शन होगा। यदि ए आर तथा बी आर दो न्यूमेरिक फंक्शंस हों तो इनका सम अथवा प्रोडक्ट निकालने के लिए पहले हमें दोनों फंक्शंस को आर की समान वैल्यू के लिए डिफाइन करना होगा। एक उदाहरण लेते हैं, यहां पर ए आर तथा बी आर आर की अलग अलग वैल्यूज के लिए डिफाइन है। पहले हम दोनों को आर की समान वैल्यू के लिए लिखेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं कि ए आर तथा बी आर दोनों को पहले 0 टू 2 फिर आर इक्वल टू 3 तथा अंत में आर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए डिफाइन किया गया है। अब आप इन्हीं इंटरवल्स के लिए ए आर तथा बी आर का सम या प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। समान इंटरवल की वैल्यूज को साधारण तरीके से जोड़ना या गुणा करना है। मल्टीप्लीकेशन विद ए स्केलर। किसी न्यूमेरिक फंक्शन को किसी स्केलर अथवा रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उसकी वैल्यू भी उतने से ही मल्टीप्लाई हो जाती है। स्केलर अल्फा को स्केलिंग फैक्टर कहते हैं। मॉडुलस ऑफ ए न्यूमेरिक फंक्शन। मॉडुलस निकालने का अर्थ न्यूमेरिक फंक्शन को पॉजिटिव बनाना है। यदि ए आर पॉजिटिव है तो उसका मॉडुलस वही होगा, यदि ए आर नेगेटिव है तो उसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। एस आई ए तथा एस माइनस आई ए ऑफ ए न्यूमेरिक फंक्शन। एस आई तथा एस माइनस आई यह दो ऑपरेटर्स शिफ्टिंग ऑपरेटर्स कहलाते हैं, जो न्यूमेरिक फंक्शन को आई यूनिट फॉरवर्ड तथा बैकवर्ड शिफ्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। एस आई ए आर निकालने के लिए आर की 0 से लेकर आई माइनस 1 तक की वैल्यूज के लिए 0 असाइन करेंगे तथा ए आर की डेफिनेशन में आर को आर माइनस आई से रिप्लेस करते हुए नई इंटरवल्स के लिए ए आर को डिफाइन करेंगे, जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं। एस माइनस आई ए आर निकालने के लिए पहले ए आर को आर की आई अथवा आई से अधिक की वैल्यूज के लिए डिफाइन करेंगे, फिर आर को आर प्लस आई से रिप्लेस करेंगे। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस। किसी न्यूमेरिक फंक्शन ए आर के लिए फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा ए आर इक्वल टू ए आर प्लस वन माइनस ए आर, जहां आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है यह होगा, तथा बैकवर्ड डिफरेंस जब आर इक्वल टू जीरो होगा तो ए जीरो होगा तथा जब आर ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा तब ए आर माइनस वन होगा। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि पहले हमने अलग अलग आर की वैल्यूज पर डेल्टा ए आर निकाला है। आर इक्वल टू फोर पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है। आर ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव के लिए फंक्शन समान है, अतः आर ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव के लिए जनरलाइज तरीके में डेल्टा आर निकाला गया है। इसी तरह हम बैकवर्ड डिफरेंस डेल ए आर भी निकालेंगे। एक्यूमुलेटेड सम। किसी न्यूमेरिक
फंक्शन AR के लिए एक्यूमुलेटेड सम R इक्वल टू K पर A0 से लेकर AK तक की सभी वैल्यूज का सम होता है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि AR इक्वल टू R, R ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का एक्यूमुलेटेड सम 0 प्लस 1 प्लस 2 अप टू R होगा, जिसे हम R R प्लस 1 बाई 2 भी लिख सकते हैं। कॉन्वॉल्यूशन ऑफ टू न्यूमेरिक फंक्शंस। यदि AR तथा BR दो न्यूमेरिक फंक्शंस हों तो AR तथा BR का कॉन्वॉल्यूशन AR स्टार BR से डिनोट करते हैं तथा यह AI BR माइनस I इस प्रोडक्ट का I इक्वल टू 0 से I इक्वल टू R तक का सम होगा। एग्जाम्पल में यहाँ पर 3 रेज पावर R तथा 2 रेज पावर R का कॉन्वॉल्यूशन लिया हुआ है। इस सम में 2 रेज पावर R I पर डिपेंड नहीं कर रहा, अतः इसे बाहर लेकर शेष जो कि एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है का सम लिया गया है। जेनरेटिंग फंक्शन। यदि AR एक न्यूमेरिक फंक्शन हो तथा A0 A1 अप टू AR इसकी वैल्यूज हो तो इनफाइनाइट सीरीज A0 प्लस A1X प्लस अप टू AR X रेज पर R जेनरेटिंग फंक्शन कहलाती है। यहां पर X एक वेरिएबल है, इसके बदले कुछ और भी लेटर लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं, यदि AR इक्वल टू 1 होगा तो यह 1 1 1 की सीक्वेंस को प्रदर्शित करेगा। A0 A1 AR की वैल्यूज GX में रखने पर एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है जिसका सम 1/(1-x) होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनरेटिंग फंक्शन। यदि AR BR तथा CR तीन न्यूमेरिक फंक्शंस हों तथा AX BX और CX इनके जेनरेटिंग फंक्शन हों तो अल्फा AR जहां अल्फा एक कांस्टेंट है का जेनरेटिंग फंक्शन अल्फा इनटू AX होगा। एग्जांपल में देखें, 2 रेज पावर R के लिए जेनरेटिंग फंक्शन 1/(1-2x) होता है, अतः 3 × 2 रेज पावर R के लिए जेनरेटिंग फंक्शन 3/(1-2x) होगा। सेकंड, AR प्लस BR के लिए जेनरेटिंग फंक्शन AX प्लस BX होगा। एग्जांपल में देखें, 3 रेज पावर R प्लस 5 रेज पावर R का जेनरेटिंग फंक्शन दोनों के जेनरेटिंग फंक्शन का सम अर्थात 1/(1-2x) प्लस 1/(1-5x) होगा। थर्ड, किसी कांस्टेंट अल्फा के लिए अल्फा रेज पावर R AR का जेनरेटिंग फंक्शन A अल्फा इनटू X होगा। एग्जांपल में देखें, यदि AR इक्वल टू 5 रेज पावर R तथा अल्फा इक्वल टू 3 हो तो 3 रेज पावर R इनटू 5 रेज पावर R का जेनरेटिंग फंक्शन 1/(1-3×5x) होगा। फोर्थ, यदि CR AR तथा BR का कॉन्वॉल्यूशन हो तो CR का जेनरेटिंग फंक्शन AX इनटू BX होगा। एग्जांपल देखें, तो 3 रेज पावर R तथा 5 रेज पावर R के जेनरेटिंग फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया गया है। अब हम देखेंगे, यदि जेनरेटिंग फंक्शन दिया हो तो उसके करस्पोंडिंग न्यूमेरिक फंक्शन कैसे निकालते हैं। एग्जांपल में देखें, यहां हमने दिए गए फंक्शन 1/(1-4x) को gx की सीरीज के फॉर्म में एक्सपेंड किया तथा x रेज पर r के कोफिशिएंट को देखा, यही AR होगा। यहां पर हम देख सकते हैं कि AR इक्वल टू 4 रेज पर r। दूसरा एग्जांपल देखें, तो यहां पर gx दो फंक्शन का सम दिया हुआ है, पहले दोनों को अलग अलग एक्सपेंड किया फिर एक साथ कंबाइन करते हुए gx की प्रॉपर फॉर्म में हमने लिखा। यहां जब r की पावर विषम है अर्थात ऑड है तो 3 रेज पावर r का कोफिशिएंट नेगेटिव है, अतः AR इक्वल टू 4 रेज पावर r प्लस माइनस 1 रेज पावर r इंटू 3 रेज पावर r होगा। अब हम देखते हैं कि जेनरेटिंग फंक्शन का
काउंटिंग में कैसे प्रयोग किया जाता है। हम जानते हैं कि nc0 plus nc1x plus up to ncn x raised power n equal to 1 plus x raised power n। अतः 1 plus x raised power n के लिए ncr एक numeric function होगा। 1 plus x raised power n 1 plus x को n बार गुणा करने पर प्राप्त होता है। अतः इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि n ऑब्जेक्ट में से हर एक ऑब्जेक्ट के लिए 1 plus x generating function का एक फैक्टर होगा। 1 plus x को हम x raised power 0 plus x raised power 1 भी लिख सकते हैं, जो यह प्रदर्शित करता है कि कोई ऑब्जेक्ट या तो नहीं सिलेक्ट होगा या एक बार सिलेक्ट हो सकता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट अधिकतम दो बार तक सिलेक्ट हो सकता होगा तो उसके लिए जेनरेटिंग फंक्शन का फैक्टर 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होगा। एक एग्जांपल लेते हैं। हमें यह पता करना है कि n1 प्लस n2 प्लस n3 इक्वल टू 10 इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे। यदि n1 n2 n3 सभी दो अथवा दो से अधिक हों, यहां पर 3 ऑब्जेक्ट्स हैं तथा हर एक दो अथवा दो से अधिक बार सेलेक्ट हो सकता है। अतः प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए जेनरेटिंग फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन होगा तथा n1 n2 n3 का सम r होने के तरीकों को यदि ar से हम डिनोट करें तो ar के लिए जेनरेटिंग फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन होल रेज्ड पावर 3 होगा। इस फंक्शन को एक्सपेंड करते हुए यदि हम x रेज पावर 10 का कोफिशिएंट देखें तो यह n1 प्लस n2 प्लस n3 इक्वल टू 10 के कुल सॉल्यूशंस बताएगा। यहां पर x रेज पावर 10 का कोफिशिएंट 15 है, अतः n1 प्लस n2 प्लस n3 इक्वल टू 10, जबकि हर एक ni ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो के कुल सॉल्यूशंस 15 होंगे। इस लेक्चर में हमने डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन तथा जेनरेटिंग फंक्शन और उनके प्रयोग के बारे में सीखा। अगले लेक्चर में हम रिकरेंस रिलेशन के बारे में सीखेंगे। धन्यवाद।